आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 6 रैखिक असमीकाएं लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रश्नावली 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले असमीकाएं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो असमीका क्या होती है, असमीकाएं इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। तो देखिए जैसे अगर कोई दो राशि ले लें हम लोग, मान लिया कोई एक राशि ए और एक राशि बी ले लिया, ठीक ना, और ये राशि ऐसी होनी चाहिए जिनकी हम तुलना कर सके, ठीक ना। इसका मतलब तुलनीय राशि, तुलनीय राशि हमको लेनी है, ठीक ना, कंपेरेबल जिनकी हम तुलना कर सकें। जैसे देखिए, जैसे अगर हम ले लूँ एक किलोमीटर ले लें और एक मीटर ले लें, तो देखिए सिंपल से एग्जांपल है कि हम इसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इकाई अलग अलग है, ठीक ना। तुलना मतलब इसका मतलब होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना, यही सब होता है तुलना में। तो अगर एक किलोमीटर और एक मीटर में सबसे पहले इसकी इकाई अगर हम सही करें, तब जाके इसी दो राशि इसकी और इसकी हम तुलना कर सकते हैं, ठीक ना। इकाई अलग अलग है तो ये तुलनीय राशि नहीं, एक एक जैसी राशि होनी चाहिए। जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल ले लें, तो देखिए अगर हम बनाना अगर केला और एप्पल की तुलना करें, तो इन दोनों में अलग अलग राशि है ये, ठीक ना, तो इनकी राशि इसकी तुलना कर ही नहीं सकते हम लोग। बनाना एक अलग चीज़ है, एप्पल एक अलग चीज़ है, ठीक ना। हम इसमें कर सकते हैं, बनाना बनाना में तुलना कर सकते हैं ऐसे, ठीक ना, या एप्पल एप्पल में, है ना, सेब सेब में तुलना कर सकते हैं हम लोग कि कौन सेब अच्छा है, कौन सेब कहाँ का है, है ना, कौन सेब बड़ा है कौन सेब छोटा है, इस प्रकार। तो सबसे पहले तुलनीय राशि का मतलब एक राशि जो हो सेम राशि होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए जैसे अगर हमने एक राशि ए और बी दो राशि लिया, तो इसमें देखिए एक प्रकार तो ऐसे कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं इसको कि ए बराबर ये बी है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं, देखिए ये है समानता, ठीक ना, ए बराबर बी, तो इसके बाद बात ही खत्म, ए इस बी के बराबर है, तो समानता इसको बोलते हैं इक्वेलिटी, ठीक ना, इक्वलिटी हो गया। अब देखिए एक केस है ए ग्रेटर देन बी, ठीक ना, ये बड़े का चिन्ह लिया, तो ए बी से बड़ा है, तो ये होता है तुलना कि कौन बड़ा है, है ना, कौन ऊंचा है कौन छोटा है, ये सब तुलना होता है। ए ग्रेटर देन बी हो सकता है या ए स्मॉलर देन बी, है ना, ए बी से बड़ा है, ठीक ना, इसको आप बोल सकते हैं ए बी से बड़ा है, ठीक ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं या बी ए से छोटा है, ठीक ना, तो ये भी सही है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं ए बी से छोटा है, ठीक ना, ये छोटे का चिन्ह होता है एक तरह, तो इसको ले सकते हैं ए बी से छोटा है, ठीक ना, इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, या कह सकते हैं बी ए से बड़ा है, ठीक ना, तो इसको पढ़ सकते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं असमीका, है ना, ये असमीका कहलाता है। देखिए इसको इन्हीं को असमीकाएं बोलते हैं, ठीक ना, यही होता है कि असमीका ये हुआ, है ना, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है, ठीक ना। अब देखिए इसी में क्या होता है, कभी कभी केस में बन जाता है, देखिए जैसे अगर हम बोलें कि देखिए ए बड़ा है बी से, ठीक ना, और इसी के साथ हो सकता है कि ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, ठीक ना, दो के इसी के समय ए देखिए बड़ा भी हो सकता है, या यदि इसमें यदि कभी कोई केस बने कि ए बी के भी बराबर है, ठीक ना, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं, देखिए इसको मिला के लिखेंगे तो हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से
और बराबर है बी के, ए बड़ा या बराबर है बी से, ठीक ना। इसी प्रकार जब इसको अगर हम लिखना चाहें, ए छोटा है बी से और इसके संग अगर ए बराबर है बी से, तो इसको हम मिला के लिखेंगे ए छोटा है या बराबर है बी से, ठीक ना। तो देखिए ये वाला भी केस बनता है। तो देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक ना। तो ए बड़ा है ए छोटा है, इसमें ए बड़ा है या बराबर है बी से, या ए छोटा है या बराबर है बी से। तो इस प्रकार दो प्रकार की असमीकरणें प्राप्त होती हैं। इसको देखिए बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक ना। हर टर्मोलॉजी अच्छे से याद करिएगा, इक्वलिटीज, ठीक ना। इसको बोलते हैं हिंदी में सुनिश्चित, सुनिश्चित असमीकरणें, असमीकरणें, ठीक। और जब इसको बात करें तो इसको बोलते हैं स्लैक, एस एल ए सी के इनइक्वलिटी, ठीक ना। इसी को सिंपल असमीकरणें बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में देख लिया, ठीक ना। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यदि इस प्रकार की असमीका हो या इस प्रकार की असमीका हो, ठीक ना, या तो इस प्रकार की हो जाए, देखिए ये या तो ये, ठीक ना, इस प्रकार की। देखिए इसको हमने क्या बोला, ये बोला स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक ना, और इसको बोला सिलेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक ना। तो ये हमने पढ़ा अभी तक, इसको सुनिश्चित असमीकाएं और इसको केवल असमीका बोलते हैं, असमीकाएं। अब देखिए इसमें यदि हम इसमें अंकों को, देखिए अगर अंकों का तुलना करें अगर हम, जैसे अगर दो बड़ा है तीन से, ठीक ना, या दस छोटा है पंद्रह से, ठीक ना। यदि हम इस प्रकार के अंकों का अगर तुलना करें तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, ठीक ना। और यदि इस प्रकार लिखाओ एक्स इज ग्रेटर देन वाई टेन, ठीक ना, या वाई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, ठीक ना। यदि चर लिखा हो, चरों में अगर दिया हो, ठीक ना, या टू एक्स भी लिख सकते हैं, यदि चर का अगर इसमें यूज हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसका शब्द, इसको लिख लेते हैं संख्यांक बोलते हैं, इसको हिंदी में संख्यांक असमीकाएं बोलते हैं। इसी प्रकार अगर इस प्रकार हो तो लिखें, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे लिटरल इनइक्वलिटी, ठीक ना, या शाब्दिक शाब्दिक असमीकाएं, ठीक ना। तो ये हो गया, या इसको चरांक भी बोलते हैं, ठीक ना, चरांक असमीकाएं, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक होता है, देखिए जैसे अगर हम मैं लिखूं कि y अगर छोटा है दो से और अगर बड़ा है या बराबर है पाँच से, ठीक ना, मतलब दो असमीकाएं अगर आए हमको, ठीक ना। देखिए y बोल रहा है, देखिए इसमें क्या था, y पक्का है कि छोटा है बराबर पाँच से, x बड़ा है दस से। अगर इसमें बोलें दो कंडीशन देखिए दे रहा है, दो असमीकाएं हैं, y बड़ा है दो से एवं y छोटा है और बराबर है पाँच से, मतलब दो असमीकाएं हैं, तो इसको बोलते हैं डबल इनइक्वलिटी, डबल इनइक्वलिटी, या द्वि असमीका, द्वि
अस्मिका, ठीक ना, तो ये बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अस्मिका का परिभाषा देखेंगे। तो देखिए क्या परिभाषा होता है उसको देखते हैं। देखिए तो परिभाषा लिखेंगे, लिखे यदि दो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय, है ना, एलजेब्रिक बीजीय व्यंजकों के मध्य, देखिए ये है ना, या, ठीक ना, या लगा लीजिए यहाँ पर, या लगा लेते हैं यहाँ पर, या ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ठीक ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है, का संबंध हो, का संबंध हो तो उसे असमिका इनइक्वलिटी, ठीक ना, इनइक्वलिटी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक ना, इससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए अगर मान लिया, देखिए किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन, राम लिख लेते हैं। देखिए राम लिखते हैं किसी परीक्षा में राम के प्राप्तांक, राम को यक्ष अंक प्राप्त हुआ, ठीक ना। चलिए इसको यक्ष यक्ष दे दिया। अब देखिए यक्ष को जैसे अगर पूछा जाए कि राम को, राम का परफॉर्मेंस क्या है या कैसे अंक प्राप्त करता है ये, तो देखिए चार कंडीशन हो सकता है। देखिए पहला हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए अगर हम बोलें कि ये राम 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक ना, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, 40 अंक से अधिक प्राप्त करता है। दूसरा हो सकता है राम 80 अंक से, 80 अंक से कम प्राप्त करता है, ठीक ना, ये दूसरा हो गया। थर्ड में बोल सकते हैं राम कम से कम 40 अंक प्राप्त करता है, ठीक ना। और एक कंडीशन हो सकता है राम अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक 80 अंक प्राप्त करता है। तो देखिए ये चार कंडीशन हमने लिया, ठीक ना। तो अब देखिए इसका अगर हम इस प्रकार यक्ष का असमिका के रूप में अगर हम लिखें या इसका क्या समीकरण बनेगा, तो देखिए राम, देखिए पहला कंडीशन क्या लिखा है, राम 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक ना, मतलब 40 नंबर से तो अधिक प्राप्त करता है। तो यदि हम इसका यक्ष को लिखना चाहें तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यक्ष ग्रेटर देन 40, ठीक ना, जो यक्ष के द्वारा प्राप्त किया गया अंक है वो 40 के अधिक है। और देखिए 40 के बराबर नहीं लिखा है इसमें, ठीक ना, याद रखिए 40 के बराबर नहीं है, केवल बोला है 40 से अधिक अंक प्राप्त करता है,
41, 42, 50, 55, 90, 100 जो भी प्राप्त करता है, मतलब 40 से अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक ना। तो इसका असमिका इस प्रकार बनता है। अब देखिए अगला, राम 80 से अंक से कम प्राप्त करता है, मतलब 80 से कम ही रहता है, ठीक ना, ना तो 80 और ना ही 80 से अधिक प्राप्त करता है। तो इसको हम लिखेंगे यक्स लेस देन 80, ठीक ना। तो यक्स जो यक्स प्राप्त किया है वो अंक वो 80 से कम है, ठीक, 80 से कम है, मतलब 79, 78 से लेकर इसके आगे जितना भी जा सकता है, पहले आ सकता है। अब होता देखिए कम से कम, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये आपके प्रायिकता में भी काम आएगा, है ना। कम से कम, अधिक से अधिक, देखिए इसको बोलते हैं एटलीस्ट, ठीक ना, और इसको बोलते हैं एटमोस्ट, ठीक ना, ये बहुत काम आता है। तो देखिए कम से कम 40 अंक तो प्राप्त करता ही है, मतलब कि देखिए 40 अंक प्राप्त करता, इससे कम नहीं प्राप्त करता, इससे अधिक जितना भी आ जाए, ठीक ना। कम से कम का मतलब होता है अधिक से अधिक जितना भी, ठीक ना। तो कम से कम 40 मतलब इसके नीचे तो नहीं, 40 या उससे अधिक तो ये प्राप्त करेगा ही। तो इसको हम लिखेंगे यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक ना। 40 या 40 से ज़्यादा, कम से कम का मतलब होता है कि इतना तो रहेगा ही, ज़्यादा ज़्यादा जितना भी हो, ठीक ना। तो इस प्रकार ये बना। अब देखिए राम अधिक से अधिक, एटमोस्ट अधिक से अधिक 80 अंक प्राप्त करता, मतलब जितना भी कोशिश कर ले ये 80 नंबर ही प्राप्त कर पाएगा, इससे कम प्राप्त कर लेगा मगर ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक ना। तो इसको लेंगे यक्स लेस देन और इक्वल टू 80, मतलब 80 के बराबर या इससे कम, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमको चार असमिकाएँ प्राप्त हुई, कि अगर इस तरह लैंग्वेज में लिखा हो तो हमको इस तरह असमिकाएँ प्राप्त होती हैं हमको, ठीक ना। तो देखिए ये आ गया। अब हम इसमें देखिए एक और उदाहरण लिख लेते हैं, ताकि जिससे कई कोई भाषा में लिखा हो, शब्दों में लिखा हो, तो इसको हम असमिकाओं में कैसे बदलेंगे, ठीक ना। तो एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए जैसे इसके आगे एक और समझाने का है, देखिए जैसे यदि लिखा हो 2x प्लस 5, ठीक ना, बराबर 0 ही लिख लीजिए, ठीक ना। तो देखिए इस तरह का आपने अभी तक पढ़ा है, इसको बोलते हैं एक चर में, एक चर का रैखिक समीकरण, ठीक ना, समीकरण। देखिए जब कभी भी बराबर का चिन्ह लग जाता है तो समीकरण बन जाता है, और चूंकि एक चर है, देखिए यक्स ही है केवल, मतलब जो भी चर है एक ही है, यक्स होता या तो y में भी ले सकते हैं, t में भी ले सकते हैं, u में भी ले सकते हैं, मगर जो भी चर होगा तो एक चर में होगा, ठीक ना। तो इसलिए एक चर का लिखा है, और दूसरा ये देखिए इस चर की घात कितनी है, ये एक है, ठीक ना, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसी को लिख दूँ 2x प्लस 3y बराबर ये 5, ठीक ना। तो देखिए अब इसको बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं दो चरों में, दो चरों का ये रैखिक समीकरण है, ठीक, ये हो गया। चूंकि घात दोनों की ही एक एक है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। यदि इसी तरह हम लिख दें, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको बोलते हैं, देखिए घात दो हो गया, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो देखिए ये जब बराबर बराबर का चिन्ह हो तो समीकरण कहलाता है, ठीक ना, द्विघात का भी यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये लिख लिया। अब देखिए अगर मैं ये बराबर हटाकर बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा दूं, जैसे 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 8, ठीक ना, बड़ा का लगा दिया। इसी प्रकार 4x प्लस 5 या न लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉलर स्मॉल देन ये 10 लिख दूं, स्मॉलर देन 10, तो देखिए ये अब असमिका का चिन्ह लग गया, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं एक चर का रैखिक
असमिका, असमिका ठीक ना, असमिका आ गया देखिए, ठीक ना, बड़ा है छोटा का चिन्ह लगाओ तो असमिका, यहाँ बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ये सब असमिका में ही आती हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x + 5y > और या यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 या 8 10 लिख देते हैं, ये 10 लिख दिया ठीक ना। तो अब ये हो गया दो चरों में रैखिक असमिका ठीक ना। तो अब हमको देखिए जो पाठ का नाम था रैखिक असमिकाएं, तो हमको इसी प्रकार के असमिकाएं प्राप्त होंगी ठीक ना। इसमें देखिए एक चर हो सकता है, दो चर भी हो सकता है, मगर इसकी घात देखिए जो भी चर है उसकी घात हमको एक ही रहेगी हमेशा, क्योंकि इसमें हमको पाठ में लिखा है रैखिक समीकरण, रैखिक असमिकाएं हैं, तो घात दो वाला हमको नहीं मिलेगा। ज़्यादा हो सकता है, एक चर हो सकता है, दो चर हो सकता है ठीक ना। तो इसीलिए अब देखिए इसका आगे हमने लिख लिया, अब देखिए इसको क्या ना एक चर और दो चर को नहीं लिखते हैं, इसको जरूरत नहीं होता है, जिसको हम हटा दें तो देखिए हमारा पाठ का नाम हो जाता है रैखिक असमिकाएं ठीक ना। इसी प्रकार ये हो गया रैखिक समीकरण, और इसमें ये है कि दो चरों वाला है ठीक ना। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो देखिए हमारा ये पार्ट का नाम बन जाता है ठीक ना। तो अब हम एक उदाहरण लिख लेते हैं जिसमें हो जाएगा एक चर वाला, तो आपको उदाहरण देख ही लिया इधर ठीक ना। अब दो चरों का एक उदाहरण देख लेते हैं तो इसमें और अच्छे से समय में आ जाएगा। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखे मान लेते हैं, माना रेशमा के पास पास 100 रुपए हैं ठीक ना। वह बाजार गई, उसे रजिस्टर और पेन लेना है ठीक ना, इसको रजिस्टर और पेन लेना है। तो देखिए बाजार में रेट क्या है, इसका हम लिख लेते हैं 40 रुपया प्रति रजिस्टर है ठीक ना, और इसको 20 रुपया प्रति पेन है ना, एक पेन का दाम 20 रुपया और एक रजिस्टर का दाम 40 रुपया मान लिया। तो अगर उसने रजिस्टर कितना लिया, मान लिया हमने यक्स रजिस्टर रेशमा ने लिया ठीक ना, यक्स रजिस्टर रेशमा ने लिया और वाई पेन लिया ठीक ना। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि रजिस्टर पर कितने रुपए इसने खर्च कर दिए, तो ये होता है एक रजिस्टर के मूल्य से रजिस्टरों की संख्या का गुणा कर देते हैं तो पता चल जाए कि रजिस्टर पर इसने कितने रुपए खर्च किया। तो हम पूछते हैं टोटल कॉस्ट या कुल खर्च या कुल लागत कितनी आई है ना, कुल लागत कितनी लग गई या खर्च कितना कर दिया। तो ये हो जाएगा देखिए 40x तो इसने रजिस्टर पर खर्च कर दिया ठीक ना। अगर मान लिया यहाँ पर अगर दो रजिस्टर होता तो 80 रुपये खर्च किया होता, क्या किया 40 का गुणा दो में किया था ठीक ना। रजिस्टर के मूल्य में रजिस्टरों की संख्या का गुणा करते हैं तो कुल पैसा आ जाता है। इसी प्रकार इस प्रकार ये देखिए 20 रुपये का पेन और वाई पेन लिया इसने, तो इसने इतना खर्च कर दिया। अब देखिए ये क्या चीज़ हो सकता है, देखिए 40x + 20y देखिए ये कभी भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक ना। देखिए जो भी इसने खर्च किया वो 100 रुपये के या तो बराबर हो सकता है ठीक ना, क्योंकि उसके पास 100 रुपये ही हैं तो 100 रुपये के अंदर ही खरीदेगी, या हो सकता है कि कुछ पैसा इसके पास बच भी जाए ठीक ना। सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ये लेस देन होगा ठीक ना, 100 से एक कम ही रुपये खर्च करेगी, मतलब उसे कुछ खरीदा कुछ पैसा बच सकता है या पूरा पैसा खर्च हो सकता है, मगर इससे अधिक खर्च नहीं कर सकती ठीक ना। तो देखिए गणित में उधार वाला काम नहीं है ठीक ना, कि उधार रख कर लिया उसने कुछ, वो सब अलग बात है। अगर इसमें मैथ में बात करें देखिए 100 रुपये लेके गई, 100 रुपये में या तो पूरा खर्च कर देगी इन दोनों को सामान खरीदने में, या तो कुछ पैसा इसके पास बच जाएगा, तो इसलिए ये लेस देन है 100 से या इक्वल टू 100। अब देखिए देखिए हमको आ गया दो चरों का है ना, दो चरों में रैखिक असमिकाएं, असमिका या असमिकाएं ठीक ना।
तो देखिए हमने अभी तक समीकरण समझ लिया, देख लिया, अब देखिए इसको हल कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर कुछ उदाहरण देख के उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए असमीका को हल करने का नियम है, तो पहला नियम है यदि किसी असमीका में किसी धनात्मक असमीका के दोनों पक्षों में बराबर धनात्मक संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो असमीका फिर भी सत्य होगी, ठीक ना। जैसे देखिए अगर x ग्रेटर देन 5 अगर मान लिया है, तो यदि आप दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या, ठीक ना, खास ख्याल रखिएगा धनात्मक संख्या होनी चाहिए, यदि आप जोड़ते हैं, देखिए 2 जोड़ दिया मैंने, तब भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और इतना अगर मैं यही काम इसमें घटाने का काम कर दूं, देखिए x ग्रेटर देन 5 है, यदि मैं इसको दोनों तरफ घटा दूं, -2 कर दूं और ये 5 -2 कर दूं, तब भी कोई मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो यही पहली सब था नियम। दूसरा नियम है यदि किसी असमीका के दोनों पक्षों में बराबर, है ना, जो भी हो बराबर हो जाएगी, बराबर धनात्मक संख्या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तब भी असमीका सत्य होगी, असमीका सत्य होगी, ठीक ना। तो ये भी आपको आ गया, धनात्मक संख्या का गुणा कर दें तब भी, जैसे अगर ये चीज़ लिखा है x ग्रेटर देन 5 है, आप 2 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक ना, तब भी बराबर है ये। या अगर आप भाग कर दीजिए, x ग्रेटर देन 5 है, x बटे 2 कर दीजिए, या यहाँ दोनों तरफ पक्षों में, तब भी ये बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक ना। और तीसरी असमीकाएँ हैं का नियम है यदि किसी असमीका के दोनों पक्षों में बराबर, या सीधे लिखिए ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो तब भी असमीका सत्य हो, तब असमीका का चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। इसमें याद रखिएगा ऋणात्मक संख्या के से अगर गुणा भाग कर दें, देखिए जैसे
एक्स ग्रेटर देन फाइव, ठीक ना, यही वाला एग्जाम्पल है। यदि मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो ये चिन्ह जो है ये पलट जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए x बटे अगर माइनस टू करूँ, देखिए x ग्रेटर देन फाइव पहले जो है वो लिख लेता हूँ, फिर अगर मैं लिखूँगा x बटे माइनस दो तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा फाइव ऐसे, ठीक ना। तो देखिए पूरी सब जब भी हम असमीका को हल करेंगे तो जो जैसे पहले हम रैखिक समीकरण को हल करते थे उसी तरह पूरी असमीका को हल करेंगे, बस जब कभी भी माइनस का गुणा या भाग करेंगे तब भी उसी तरह करेंगे, बस चिन्ह पलट कर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे प्रश्नावली 6.1 में जो प्रश्न है उसको करेंगे। देखिए एक उदाहरण लिया है हमने, ये असमीका दी हुई है और इसमें यक्ष का मान हमको ज्ञात करना है जब यक्ष एक पूर्णांक हो और यक्ष एक वास्तविक संख्या हो। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए पहला है 7x-2 लेस देन 5x+4। तो देखिए हम जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे इसको, हम इसको बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे और -2 को दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे। तीस हो जाएगा 7x-5x4, ये इधर गया तो +2 हो जाएगा। 7 में 5 गया 2x और ये 4 2 6। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कट कर इस प्रकार x इज लेस देन 3 आया, ठीक ना, अपना ये आंसर आया। अब देखिए पहला क्या है, x एक पूर्णांक है, ठीक ना। देखिए x एक पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक का मतलब ये देखिए, पूर्णांक मतलब क्या होता है, देखिए संख्या क्या याद होना चाहिए आपको, ये होता है 0 1 2, पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ये होता है 0 1 2 3 ये अनंत तक, और ये -1 -2 -3 -∞ होता है, ठीक ना। अब हमको जेड बोलता है क्या है, लेस देन थ्री मतलब आपका यहाँ से इधर है ना, 3 भी बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे। तो देखिए हमको क्या मिला, 2 1 0 -1 -2, ठीक ना। तो हमको सोलूशन ये मिला, ठीक ना, समीकरण का या असमीका का हल ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, ये एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या जो भी संख्या संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, देखिए संख्या रेखा पर, देखिए हम इसको दिखाते कैसे संख्या रेखा पर उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये भी जो भी है x का मान लेस देन है ना, तो यहाँ से सभी संख्या हमको वास्तविक संख्या में हमको मिलेंगी, ठीक ना। अब देखिए वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ, अगर 3 से कम है तो मतलब ये 2, 2.1, 2.2, 2.3 ये सभी संख्या भी वास्तविक संख्या में आएंगी, ठीक ना। तो ये केवल पूर्णांक में है, पूर्णांक में दशमलव और भिन्नात्मक संख्या नहीं होती। तो देखिए अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएं तो देखिए ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक ना, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए इसमें लिखा लेस देन है ना, तो देखिए 3 बराबर भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक गोला लगा देंगे इसे, ठीक ना, इसको नोड बोलते हैं, ठीक ना। जहाँ अगर इसके बराबर नहीं है, अगर ये बराबर 3 होता ना तो डार्क कर दिए होते, उसको डॉट बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। और यहाँ से हमको कहाँ तक, सभी छोटी संख्याएं, तो हम क्या करेंगे इस तरह इसको डार्क कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमको संख्या रेखा पर भी दिखा लिया और इसका आंसर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये -∞ हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको 3 को शामिल नहीं किया गया है इसलिए ओपन इंटरवल और ये -∞ तक, ठीक ना। तो ये इसका हल हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमने इसको दिखा दिया, ये संख्या रेखा पर इस प्रकार दिखाते हैं और इसका आंसर इस प्रकार लिखते हैं।
देखिए इस तरह बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नावली 6.1 में हम इसको इसके आगे और भी प्रश्न करेंगे जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अगले प्रश्नावली 6.1 करेंगे।